मैं रफशान पिरानी और आप देख रहे हैं मुमरा एक्सप्रेस। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। संजय नगर में एक बुजुर्ग महिला को हिप्नोटिस करके कैसे चोरों ने ठगा। जी हाँ दोस्तों, एक अचंभे वाला वाक्य सामने आया है। अक्सर मुमरा में ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। लगभग 2-3 साल पहले भी हमारे चैनल पर इसी तरीके की हमने एक न्यूज़ दिखाई थी जिसमें एक बुज़ुर्ग महिला से सोने के जेवरात लेकर के उड़नचू हो गए थे लोग। वहीं आज संजय नगर परिसर में जो डी ऑप्शन शोरूम है कपड़े का, उसके आगे जो बिल्डिंग का एंट्रेंस है वहाँ पर ले जा कर के उन लोगों ने महिला के जेवरात उतार लिए। महिला के मुताबिक लगभग 3 तोला यानी कि 30 ग्राम सोने के जेवरात थे जो उस महिला ने अपने पर्स में डालकर अपने हैंडबैग में मतलब थैली में रखे थे, मगर चोरों ने उन्हें इस तरीके से हिप्नोटिस करके चकमा दिया कि उनके हाथ में एक थैली थमा दी जिसके अंदर बनाना यानी कि केले थे और उस बुज़ुर्ग महिला की थैली जिसमें जेवरात पैसे आदि चीज़ें थी, उनका पर्स था, वो थैली लेकर के रफू चक्कर हो गए। ये मामला सीसीटीवी फुटेज में थोड़ा आया है। वो लोग जब थैली लेकर के दुकानों के बाहर से जा रहे थे उसी दौरान ये सीसीटीवी में कैप्चर हुआ। 2 लोग है, एक नौजवान युवक जिसके हाथ में रेड कलर का बैग है और दूसरा एक टोपी वाला अधेड़ उम्र का इंसान। जिसके बाद महिला फौरन मुमरा पुलिस स्टेशन में जाकर के महिला ने अपनी तकरार दर्ज कराई। महिला के मुताबिक मुमरा पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए है और उनका आश्वासन है कि जल्द से जल्द वो चोर पकड़े जाएंगे। धन्यवाद। माँ जी क्या नाम है आपका? शांता। अभी कुछ देर पहले आपके साथ में 2 युवकों ने मिलकर के आपके जो बदन पे गोल्ड था, सोना था, वो आपसे लेकर के गए। आप बता सकते हैं ये कैसे हादसा हुआ आपके साथ? वो उधर से मैं पीछे से उतरी गली में गई, घर पे जा रही। कहाँ रहते हो आप? इधर ही संजय नगर मनोहर शिंदे चाल में। मनोहर शिंदे चाल में। तो अभी आप कहाँ से आ रहे थे? तनवर नगर से, मलिक फ्लावर से काम करके आ रहे थे। आप घर काम करते? तो कितना तोला सोना था आपके? 2 तोला। 2-3 तोले के आसपास था। तो कैसे यह हादसा हुआ आपके साथ? बोले मेरे को बोले उधर कपड़ा दे रहे, पैसे बांट रहे, मम्मी बोल रहे हैं चलो इनसे पूरा इनका सोना ले लिया गया। तो आपने इसकी शिकायत मुमरा पुलिस स्टेशन में की? जी आपने जाके फौरन में घर पे गई तो थैली में देखी की मेरे पर्स नहीं और दागिना भी नहीं, मुहुरा पुलिस स्टेशन से आपका शिकायत लिया गया? तो एनसी की पावती भी कॉपी भी नहीं दी आपको? नहीं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए मुमरा एक्सप्रेस पर। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।